संविधान की आज संध्या पर जो आज संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लागू किया था, वो समस्त समाज के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए संविधान दिया था, उसमें महिलाओं को एक विशेष अधिकार दिए थे। उसी प्रकार से महिला हमारे बीच के अंदर है। आइए हम महिलाओं से हम जानकारी लेते हैं कि आज संविधान से आपको क्या मिला। मैडम आपका नाम? मैं सुजाता नंदेश्वर, 20 साल से मैं दिल्ली में रहती हूँ। बाबा साहब का तो जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ था, महिलाओं के लिए ऐसे बाबा साहब ने क्या किया? महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतनी ज़्यादा हमें स्वतंत्रता दी है। एक तो हमारा सबसे पहले जो CCL जो चाइल्ड केयर लीव मिलती है, जो गवर्नमेंट जॉब वालों को, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो हाँ, जो CCL मिलती है वो इतना अच्छा प्राविधान एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला हुआ है। और हिंदू कोड बिल, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा हमें जो बताया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन जो संविधान लागू हुआ था, और बाबा साहब का एक सपना था कि हाँ कहीं तो हम संसद भवन पहुँचेंगे, और हमारा ये जो सपना है वो आज धीरे धीरे, साल तो बहुत लगे लेकिन फिर भी धीरे 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 हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज यहाँ तक आए। आज हमारी एक हिम्मत हो रही कि बाबा साहब की फ़ोटो हम इंडिया गेट पर लगा सकते, चल सकते उनको लेके। ये कहीं ना कहीं मैं 2 साल पहले इस चीज़ की झिझक देखती थी, लेकिन इस साल वो झिझक नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी संगठनें अपने अपने लोगों को लेके आ रही है, और आज इंडिया गेट पूरा भरा हुआ इन संगठनों से। और जहाँ वहाँ हमारी संगठनें दिखाई दे रही है, जहाँ वहाँ बाबा साहब की फ़ोटो दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ हर कोई अपने बच्चों को लेके आए हैं, यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है।